मैं कहानियाँ लिखता हूँ, कविताएँ लिखता हूँ, सामाजिक मुद्दों पे भी लिखता हूँ और प्रेम के मुद्दों पे भी लिखता हूँ। बस मुद्दा होना चाहिए तो निशान की कलम चल जाती है। कर्मवीर के पथ का हर पत्थर साधक बनता है, दीवारें भी दिशा बताती हैं जब वो आगे को बढ़ता है। नमस्कार, मैं हूँ सबा खान, आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। मेरे साथ इस वक्त ऐसे युवा हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की है, गुड़गावा में जॉब कर चुके हैं, लेकिन इन्हें लिखने की बहुत सटीक कला है और इन्होंने अपने लिखने की कला को ही अपना जुनून, अपना पैशन मान लिया है। कहते हैं काबिलियत जो है ना अपनी जगह ढूंढ ही लेता है, लेकिन उसके लिए कोशिश की ज़रूरत होती है। और सर स्टोरी लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, मोटिवेशनल लाइनें लिखते हैं और भी ज़्यादा जानकारी सर से ही लेते हैं। सर का नाम है निशान सक्सेना। सर सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका मेरी पड़ताल में। शुक्रिया। कैसे आप, कितने समय से आप लिख रहे हैं? मैं लिखने का शौक़ तो मुझे बचपन से था। उसके बाद मैंने धीरे धीरे स्कूल वगैरह में जो ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते थे या जो भी राइटिंग कॉम्पिटिशन्स होते थे, मैं उसमें प्रॉपरली पार्टिसिपेट करता था। फिर इंजीनियरिंग में पहुंचा तो लिखने का जो चलन था वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद मैं जॉब करी, जॉब में एक साल लगभग जॉब किया और समझ में आया कि नहीं यार, मज़ा नहीं आ रहा है यहाँ पर, मैं खुश नहीं हूँ। मैं खुश वहाँ पे होऊंगा जो मेरा अपना काम है, जिसमें मेरा पैशन है। मैंने अपने आप को बहुत एक्सप्लोर किया, सब कुछ किया और फाइनली मैं काफ़ी टाइम से अभी इस समय लेखन में हूँ। मैं कहानियाँ लिखता हूँ, कविताएँ लिखता हूँ, सामाजिक मुद्दों पे भी लिखता हूँ और प्रेम के मुद्दों पे भी लिखता हूँ। बस मुद्दा होना चाहिए तो निशान की कलम चल जाती है। हाँ। जी बहुत खूब। अच्छा, कितने समय से आप लिख रहे हैं? मेरे को लिखते हुए कम से कम 7-8 साल तो हो गए हैं। 7-8 साल तो ऐसा कि प्रोफेशनली मैं लिख ही रहा हूँ। अच्छा। बाकी लिखने का तो मेरा काफ़ी, मैंने आपको बताया कि बचपन से ही। तो आपने जॉब क्यों छोड़ दी? जॉब में रहते हुए भी आप लिख सकते थे? को रहते हुए मैं लिख सकता था, लेकिन मैंने एक चीज़ महसूस करी कि जितने भी बड़े लेखक हुए हैं, वो चाहे कुमार विश्वास जी हुए हों, चाहे मनोज मुंतशिर जी हुए हों, कोई भी हुआ हो, सब ने अपना जो एम है ना वो क्लियर रखा था कि मुझे कवि बनना है तो मुझे कवि बनना है, मुझे लेखक बनना है तो मुझे लेखक बनना है। और जैसा कि एक कहावत है जो हम छोटे से सुनते आ रहे हैं कि दो नाव पे पैर रख के आदमी नहीं चल सकता है। अगर दो नाव हैं, अगर आप एक नाव लेंगे तो आप रास्ता आसानी से और जल्दी पार कर जाएंगे। तो वही चीज़ मैंने सोचा कि जब अपने पैशन को, अपने हॉबी को, अपने जुनून को मैं अपना काम बनाऊंगा तो शायद मैं ज़िंदगी भर खुश रह पाऊंगा। और यही चीज़ मैं अपने बच्चों को भी सिखा पाऊंगा कि अपने सपनों के संग जीना सीखो, क्योंकि ये समाज आपसे ये तो पूछता है कि आप कहाँ नौकरी करते हो, आपका स्टेटस क्या है, लेकिन वो कभी ये नहीं पूछता कि आप क्या करना चाहते हो। और एक बार इंसान बने हो तो ज़िंदगी को ढंग से जियो, जो करना है वो करो, यही सबसे अच्छा फंडा है लाइफ को जीने का और अपने आप को खुश रखने का। जी बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि माँ बाप कह देते हैं हम अपने बच्चों को इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, लेकिन बच्चे से नहीं पूछते हैं और आगे चलकर बच्चे बच्चे का इंटरेस्ट कुछ और ही निकलता है, वो कुछ और ही करना चाहते हैं, उनमें अलग ही कुछ तरह का टैलेंट होता है। बिल्कुल, तो वही चीज़ होती है कि मुझे ये लगता है कि इंसान के अंदर जो टैलेंट है, क्योंकि अगर मैं एक राइटर हूँ तो 100 में से भगवान ने सबको तो राइटर नहीं बनाया, कुछ गिने चुने लोग हैं जिसको उसने भाव दिए, जिसको उसने संवेदनशील बनाया, जिसको चीज़ों को समझने का एक गुण दिया। तो जब ये गुण है तो भगवान की इस अमूल्य चीज़ को आप क्यों इग्नोर करो? जब आपको मिली है तो उसका भगवान से ये बोलो कि शुक्रिया, शुक्रिया अदा करो कि मेरे पास में ये चीज़ है। वरना लोग क्या करते हैं, लोग अपने खाली समय पे अपना टाइम फिर यूट्यूब पे बिताते हैं, फेसबुक पे बिताते हैं। आर्टिस्ट जो होता है वो अपना टाइम हमेशा अपनी हॉबी के संग में बिताता है और हमेशा ज़िंदा रहता है वो। क्योंकि अगर हम बात करें प्रेमचंद जी, आज शायद कोई बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हो, हम उसे नहीं जानते कि वो काम करता था कि नहीं करता था, लेकिन प्रेमचंद जी का नाम सुन के हमें पता है कि अच्छा, मुंशी प्रेमचंद। तो वो चीज़ होती है कि आप अगर मेरे को गूगल पे भी सर्च करेंगी तो आपको गूगल पे मेरी पूरी प्रोफाइल मिलेगी, विकिपीडिया पे आपको मेरी प्रोफाइल मिलेगी, आपको गूगल पे मेरी प्रोफाइल मिलेगी। अगर मैं 9 to 5 की कोई बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा हूँ तो मुझे कौन जानेगा? आज मैं एक राइटर हूँ, मैं अपने सपनों के संग में यहाँ पर आया हूँ तो लोग मुझे जान रहे हैं। अगर मैं सिंपल नौकरी कर रहा हूँ, 1.5 लाख रुपये कमा रहा हूँ तो उसका क्या मतलब है?
एक गुमनामी की ज़िंदगी मैंने जी, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करी और बुढ़ापे में काम धाम करके मैं आगे निकल गया, तो वो मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि ज़िंदगी है, आपके पास कला है तो उसको उभार के लेके आओ। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कला है तो लोगों के बीच आनी चाहिए, उसको महत्व मिलना चाहिए, ये तो है। लेकिन आप ये बताएं कि मतलब सिर्फ आप फिल्मों के लिए लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, किस किस? मैं हर तरीके की कहानी लिखता हूँ। अभी भी आप देखेंगे तो मैं यूट्यूब्स के लिए शॉर्ट फिल्म्स लिखता हूँ, फेसबुक वीडियोस लिखता हूँ, थिएटर्स के लिए भी लिखता हूँ, पॉडकास्ट के लिए भी लिखता हूँ, और आकाशवाणी पे मेरे नियमित प्रोग्राम आते रहते हैं, कहानियों के प्रोग्राम आते रहते हैं, काव्य के प्रोग्राम्स आते रहते हैं, तो उनको भी आप समय टू समय सुन सकती हैं। और मेरा अपना एक रेडियो स्टेशन भी है जिसका नाम है रेडियो सरगम, वहाँ पर भी मैं अपने प्रोग्राम्स करता हूँ। स्पॉटिफाई, गाना, इन सभी पे मैं अपने प्रोग्राम्स करता हूँ। स्पॉटिफाई और गाना पे आप मेरे को कहानियों की पोटली नाम से मेरा चैनल है, वहाँ पर आप सर्च कर सकती हैं और मेरी कहानियाँ सुन सकती हैं वहाँ पे। तो सुनिएगा, ज़रूर देखिएगा कि सर किस तरह की कहानियाँ कहते हैं। वैसे तो आप अभी कौन सी कहानी सुनाएंगे? मैं अभी आपको एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, थोड़ा सा सामाजिक मुद्दे पे है। कहानी ऐसे है कि एक लड़की थी जिसका नाम था प्रियंका। प्रियंका अपने घर में इकलौती थी और बड़े घर से ताल्लुकात रखती थी, तो उसके मम्मी पापा और सभी लोगों की लाडली हुआ करती थी। धीरे धीरे प्रियंका बड़ी हुई, उसकी सारी इच्छाएँ पूरी की गईं और वो दिन भी आ गया जब प्रियंका की शादी तय होने वाली हुई। सुबह का समय था, सब लोग बहुत एक्साइटेड थे कि आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं। लड़का आया, लड़के का नाम था अंशुमन। अंशुमन को देखकर जब प्रियंका ने अपनी आँखें और अंशुमन की आँखें मिली, शायद दोनों ने एक दूसरे को तभी अपना मान लिया, ज़िंदगी साथ बिताने की कस्में खा ली। धीरे धीरे अंशुमन और प्रियंका एक ही शहर में रहते थे, तो उन्होंने आपस में मिलना जुलना शुरू कर दिया। शादी से पहले ही वो एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होने लगे, जैसे कि एक पति पत्नी आपस में रहते हैं। एक दिन की बात है, प्रियंका का ऑफिस पे मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, उसका किसी से बात करने का मन नहीं था। अंशुमन ने उसे फ़ोन किया, उसने उसका फ़ोन भी काट दिया। उस रात अंशुमन प्रियंका के घर पहुँचा, उसको बाहर घुमाया, उसको डिनर कराया और उसके जीवन को और उसकी ज़िंदगी को वो जो पल था वो उसने यादगार बना दिया, जिसके बाद वो लोग और नज़दीक आ गए इमोशनली। धीरे धीरे वो दिन आया कि जब दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद सब कुछ अच्छा खासा बीतने लगा। एक दिन अंशुमन अपने ऑफिस के काम से कहीं बाहर गया हुआ था और 4 दिन बाद वो वापस आया। तो जब वो वापस आया तो उसका फ़ोन रखा हुआ था टेबल पर और ख़ुद वो बाथरूम चला गया। अचानक वहाँ पर किसी की बीप हुई। प्रियंका को समझ नहीं आया, प्रियंका ने बिना सोचे कि वो तो पति का मोबाइल है, उसने वो मोबाइल उठाया और उस पर किसी लड़की का मैसेज था। मैसेज में था कि मैंने अपने डाइवोर्स पेपर तैयार करा लिए हैं, तुम अपने डाइवोर्स पेपर कब तैयार करके प्रियंका से सिग्नेचर करवाओगे? प्रियंका को लगा कि ज़मीन फट जाए और वो यहीं पे नीचे गिर जाए। उसने अंशुमन से इस बारे में बात करी। अंशुमन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया। उस रात उसने प्रियंका को बहुत मारा। मज़े की बात ये थी कि प्रियंका उस समय माँ बनने वाली थी। उसने ज़बरदस्ती प्रियंका का एबॉर्शन करवा दिया, मार पीट के उसे घर भेज दिया। प्रियंका जो अपने घर पहुंची, जो अपने घर वालों की इतनी लाडली थी, अपने मम्मी पापा की जान थी, उससे उसकी जब दरवाज़ा खोला और उसके गेट पे उसने सारी बातें बताई, तो उसकी मम्मी ने वो दरवाज़ा बंद कर दिया और कहा कि वही तेरा घर है, अब वही देख जो भी तेरे को देखना है, नहीं तो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से बता, हम समाज में अपनी नाक नहीं कटवा सकते। प्रियंका चुपचाप वहाँ से उठी, रोई और पता नहीं किस रास्ते चली गई। कहानी का मुद्दा ये था कि हमेशा इस दुनिया में यही बताया जाता है कि लड़की को बताया जाता है कि ससुराल ही तुम्हारा पूरा घर है, पर क्या अगर ससुराल में कुछ ऐसा होता है कि जो वहाँ पर हमें लगता है कि ये गलत है, तो क्या हम समाज के डर से अपनी बेटियों को छोड़ देंगे? वो अच्छी चीज़ है कि हम उनको इंडिपेंडेंट बनाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, पर क्या एज अ माँ बाप समाज इतना बड़ा हो गया हमारे लिए कि हम अपने बच्चों को छोड़ देते हैं? तो ये एक छोटी सी कहानी थी जो मैंने थोड़े दिन पहले एक लोगों के संग में देखी,
और मुझे लगा कि इस मुद्दे पर मुझे कुछ लिखना चाहिए, क्योंकि ये वो अनकहे पहलू हैं समाज के जिन पे कोई देखता नहीं है या शायद देखना चाहता नहीं है। वो दिखते तो सबको हैं लेकिन लोग देखना नहीं चाहते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। वही चीज़ है कि वो देखना नहीं चाहता है, दिख तो उसको रहा है कि ये चीज़ गलत हो रही है पर फिर भी वो इस चीज़ को देखना नहीं चाह रहा है कि हाँ ये चीज़ गलत हो रही है। तो मैं ऐसे मुद्दों पे ज़्यादातर लिखता रहता हूँ, जैसे आप देखें जो छोटे गरीब बच्चे होते हैं उनकी किस तरीके की उनकी परेशानियाँ होती हैं, किस तरीके से वो जीते हैं, तो इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ हैं जो आप मेरे YouTube पे। अच्छा, आपके अपने विचार से आप बताएं कि जो लड़कियां होती हैं जब अपने मायके में होती हैं, जब शादियां मतलब शादी नहीं होती है तो उनके पेरेंट्स जो होते हैं उनको पढ़ाने के बजाय उन शादी में दहेज देकर बहुत बहुत हमारी लड़की खुश रहेगी क्योंकि हमने बहुत सारा दहेज दे दिया है, लेकिन उन्हीं पैसों से अगर वो पढ़ा लिखा दें, इंडिपेंडेंट बना दें, तो इस पर आपके क्या विचार है, क्या बोलेंगे आप इस चीज़ पर? मैं ये बोलना चाहूँगा कि लड़का हो या लड़की हो, आपको अपने बच्चों को हमेशा एक एजुकेशन देनी चाहिए। आप पैसे से किसी को थोड़े दिन के लिए खरीद सकते हैं। आप एक छोटा सा अगर एग्जांपल लें तो मेरे को मेरी कंपनी, जिस समय मैं जॉब करता था उस समय मेरी सैलरी 45,000 थी, लेकिन जब मुझे लगा कि नहीं मेरे को कहीं और स्विच करना है, मेरे को कहीं और जाना, तो मैंने छोड़ दिया। तो आदमी पैसे से कभी आदमी का पेट नहीं भर सकता। हमेशा ये होता है कि उसको वो पैसा एक दिन ख़त्म हो जाता है, उसकी इच्छाएँ ज़्यादा पैसे की होने लगती हैं। तो अगर आप इस दम पे काम करेंगे कि नहीं आप हम तो ढेर सारा पैसा दे देंगे, हमारी बिटिया राज करेगी, नहीं, कुछ दिन बाद वो पैसे का मुंह उसके सास ससुर से, उसके पति से, हर चीज़ से ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए हमें प्यार चाहिए। और ये एक बहुत ऐसा टॉपिक है जिसको मैंने आज तक शायद कभी किसी मीडिया पे या प्लेटफॉर्म पे बोला नहीं है। हमें इस बात को हमेशा समझना चाहिए कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो पैसे से, मैसेजेस से, हर चीज़ से बहुत ऊपर होता है। तो इसको जितना प्यार से लेके चला जाएगा उतना बेहतर है। कई बार पेरेंट्स ऐसा भी होते हैं कि वो अपनी बेटी को समझाते रहते हैं कि तुम चिंता मत करो, अगर ससुराल वाले कोई बोले तुम हमें बताना, हम और पैसा दे देंगे। ऐसे भी लोग होते हैं कि हम और पैसा दे देंगे, उनका मुँह बंद करा देंगे, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है। आप बेटियों को ये शिक्षा छोटे से दें कि पहली चीज़ तो कि ससुराल और मायका दोनों कभी अलग नहीं है, दोनों चीज़ें सेम हैं। और ज़िंदगी में सब हाथ छोड़ देते हैं जो आपको समझा रहा है कि नहीं तुम्हारा पति ऐसा है, जो ये समझा रहा है नहीं तुम्हारी पत्नी ऐसी है, वो भी एक दिन अपना हाथ झाड़ के किनारे हो जाएंगे और उसका जो मेन मुद्दा निकलेगा वो ये होगा कि पति पत्नी उसमें अलग हो जाते हैं। तो कभी भी पति पत्नी को शादी को पैसों पर नहीं तोलना चाहिए। हमेशा ऐसी शिक्षाएं दें, आप उनको अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाएं, उनको अलग अलग कोर्सेज करवाएं, उनको हॉबी क्लासेस ज्वाइन करवाएं, ताकि वो पढ़ाई के अलावा भी चार चीज़ों में और आगे बढ़ सकें। तो ये चीज़ है भाई। द्रौपदी मुर्मू को अभी जी को अगर हम देखें, हाल फिलहाल में तो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हमारे सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हर चीज़ छोड़ के उनको उनके पेरेंट्स ने, उनकी सोसाइटी ने उनको मोटिवेट किया होगा ना, तो वो मोटिवेशन ही है कि वो आज हमारे यहाँ की प्रेसिडेंट है। तो अगर हम इस थिंकिंग के संग आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा देश और आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो एक स्त्री होती है वो सबसे ज़्यादा समाज को बनाती है, क्योंकि वो जन्मकर्ता भी होती है, वो लोगों के दुख हर्ता भी होती है, वो सारी चीज़ें होती हैं जो एक पुरुष नहीं कर सकता। वो सारे दर्द, वो सारे कष्ट वो झेलती है। देखा जाए तो वो भगवान होती है, क्योंकि वो एक नए जीव को लेके आती है दुनिया के अंदर। तो हमें तो उसको ऐसा बनाना चाहिए कि वो समाज के सामने एक अच्छी इमेज बना सके। ये नहीं कि मैं तुम, अच्छा बेटी तुम चिंता मत करो, मैं पैसा दे दूंगा, ठीक है, और तुम आराम से रहो, तो ना तो उसमें बेटी खुश है, क्योंकि उसका तो ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ ही नहीं ना कभी। आप खुद ही अपनी बच्ची का ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो वो चीज़ें हैं। तो चलें, कहानियाँ तो हो गई, और कुछ सुनाना चाहेंगे, कोई मोटिवेशनल कोर्स वगैरह? मोटिवेशनल कोर्स तो मैं आपको क्या बताऊँ, मैं एक नई चीज़ लिख रहा हूँ आजकल, हरिवंश राय जी की मधुशाला आपने सुनी होगी। उस हरिवंश राय मधुशाला को लोग भूल गए, तो मैंने जब उनकी मधुशाला को पढ़ना शुरू किया तो मैंने उसको दोबारा से जीवित करने की कोशिश करी। तो चार पांच लाइनें हैं, तो मैं आपको सुनाता हूँ। वो मृगनयनी नैनो वाली तरुणाई अमराई की कहानी, वो
मृग नैनी नैनो वाली तरुणाई अमराई की कहानी, मेरे एकाकी जीवन में सावन वृष्टि की प्रफुल्लता, मैं चल पड़ा होकर बेगाना लेकर हाथों में हाला, जिस ओर खड़ी थी मेरी मधुशाला। तो ये मैंने मधुशाला पे कुछ लिखना शुरू किया है, इस पर मैं आपको एक दो और सुनाता हूँ। इश्क के पुस्तकालय से धूली सम्यक पुस्तक वो उठा लाया, इश्क के पुस्तकालय से धूली सम्यक पुस्तक वो उठा लाया, विडम्बना तो देखिए जनाब, हर पन्ने पर उसने अपनी कहानी को पाया। भर गए अपसार आबे चश्म हो गया नाशाद, करता हुआ नाला वो चल पड़ा मधुशाला। तो ये थोड़ा सा हिंदी और उर्दू, क्योंकि मैं उर्दू भी मैंने काफ़ी पढ़ी हुई है। अच्छा। तो मैं उर्दू पढ़ना और लिखना दोनों चीज़ें मेरे को आती हैं, क्योंकि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी छात्र रहा हूँ कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, क्योंकि फिर पापा का ट्रांसफ़र हो गया तो उसके बाद मुझे वापस लखनऊ आना पड़ा। ये क्लाइमेट था जो उर्दू सब्जेक्ट से पढ़े हैं सर, ये मुझे भी जानकारी नहीं थी। हाँ जस्ट बताया जी, बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी मेरी एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई है जिसका नाम है करवटे इश्क, वो उसको नज़्म साहित्य का अवार्ड भी मिल चुका है। हाँ, वो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। हाँ, कोई चाहे तो खरीद सकता है सर की बुक। बिल्कुल खरीद सकता है, और मैं चाहूँगा, क्योंकि उस कहानी में, वो जो पुस्तक है उसके अंदर 10 कहानियाँ हैं, और वो 10 कहानियाँ रियल लव स्टोरी बेस्ड हैं, और वो केवल एक एज की नहीं है। उसमें आपको कॉलेज के लव से लेके जो वो प्यार होता है ना, जो आपको बुढ़ापे में मिलता है, बुढ़ापे में क्या मिलता है, वो होता तो आपके जवानी का प्यार है, लेकिन वो शायद किसी वजह से आपसे छूट जाता है, और वो कैसे आपको बुढ़ापे में मिलता है और आप फिर कैसे उसको एक्सेप्ट करते हैं और कैसे करते हैं, तो वो भी कहानियाँ उसके अंदर हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कोई पढ़ेगा तो शायद वो उस चीज़ में अपने को, शायद कहीं ना कहीं अपने को रिलेट कर पाएगा, शायद वो दूसरों की ज़िंदगी को रिलेट कर पाएगा। मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं जो भी लिखूँ वो सच्चा लिखूँ। मेरी ज़्यादातर कहानियाँ जो होती हैं वो सामाजिक और आसपास के लोगों की ही होती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। सही बात है, जो लेखक और राइटर होते हैं वो समाज का आईना होते हैं, समाज को अपनी नज़र से देखते हैं, उनमें एक अलग तरह की कुदरती हुनर होता है जो आम इंसान नहीं देख सकता, वो एक राइटर या एक लेखक देख सकता है। और सर ने आपको सुनाया, अपनी स्टोरी सुनाई और कोट्स भी सुनाए, इनकी बुक भी है अमेज़ॉन पे, किस नाम से है? करवटे इश्क, करवटे इश्क के नाम से है, तो आप सुन सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही नए नए कंटेंट आपके लिए लाते रहें और नया नया टैलेंट आपके बीच हाजिर करते रहें। देखते रहें आप मेरी पड़ताल।